संसद के बजट सत्र में शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर सदस्यों ने चर्चा की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमानों से बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं बाबर जिन्ना या औरंगजेब का प्रवक्ता हूँ। सदन में अपना वक्तव्य रखते हुए सांसद ओवैसी ने पूछा कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक समुदाय और एक धर्म की सेवा करती है? क्या 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक धर्म की दूसरे पर विजय थी? ओवैसी ने यह भी कहा कि वो भगवान राम का सम्मान करते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे से उतनी नफरत करते हैं जिसने उस व्यक्ति की हत्या की जिसके अंतिम शब्द हे राम थे। ओवैसी के आरोपों का अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 6 दिसंबर को जो हुआ उसका खूब जश्न मनाया। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे चेयरपर्सन राजेंद्र अग्रवाल ने ओवैसी के इस वक्तव्य पर कहा कि 6 दिसंबर को जो हुआ था उस पर कोई उत्सव नहीं था बल्कि राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह था। ओवैसी के आरोप लगाने वाले वक्तव्य के जवाब में ये भी कहा कि आप विद्वान हैं, यानी कि ओवैसी को कह रहे थे आपको कानून के अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा कि ASI और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि वहां पर मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई गई। सदन में ओवैसी ने जैसे ही बाबर का जिक्र किया तो BJP सांसद निशिकांत दुबे सीट से तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आसन को केवल ओवैसी से पूछना चाहिए कि क्या वो बाबर को आक्रमणकारी मानते हैं। बाबर के बारे में लगातार किए जाते रहे सवाल। जी हां, इस पर ओवैसी ने पलटवार पर पूछा, आप पहले बताएं कि पुष्पमित्र शंघू को क्या मानते हैं? उन्होंने पास मंदिरों को तोड़ने के लिए एक सेना भेजी थी। मैं आजादी के इतने सालों के बाद यही बात दोहराता आ रहा हूं कि निशिकांत दुबे उस दिन ओवैसी से बाबर के बारे में पूछते आ रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि आप मुझसे गांधी, नेताजी, जलियांवाला बाग के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप केवल बाबर के बारे में ही पूछेंगे। तो एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर आज सदन में काफी कुछ हुआ और जिस तरह से ओवैसी साहब ने अपना वक्तव्य रखा उसके बाद BJP के सांसद काफी ज्यादा नाराज नजर आए और आक्रोशित नजर आए, जिस पर ओवैसी को जवाब भी उन्होंने दिया।